हाय गाइस, सबसे ज्यादा की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो फिलहाल मैं शुरू बात करने जा रहे हैं 400 के बारे में, जो कि महिंद्रा की तरफ से पहली ईवी है। दो वेरिएंट मिल जाते हैं इसमें आपको, एक है ईसी एंड एक है ईएल। इसका टॉप वेरिएंट है, गाड़ी की प्राइसिंग स्टार्ट होती है 60 लाख एंड इसका टॉप वेरिएंट जाता है 20-21 लाख। ईवी के हिसाब से इतनी ज्यादा प्राइसिंग मेरे को तो अच्छी नहीं लगी महिंद्रा के द्वारा, पर्सनली बताऊं तो। डायमेंशन की बारे में तो गाड़ी लेंथ मिल जाती है 4200 mm, वेट 1821, हाइट 1634 एंड इसका व्हील बेस मिलता है 2600 का मिल जाता है। फाइनल जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस आता है वो 200 mm का मिलता है। ग्रिल देखो पूरी इलेक्ट्रिक वाली थीम देती है, रोज गोल्ड ऐसा या पिंकिश टाइप में आपको थीम मिल जाती है महिंद्रा के लोगो, ऊपर रूफ में भी ऐसा कलर देखने को मिलता है। 16 इंच की इसमें अलॉय व्हील मिल जाते हैं, टायर्स ऐसे 205/65 R16। बाकी पूरी गाड़ी एक्सयूवी 300 से इंस्पायर्ड, आप देख के बता नहीं सकते कि एक्सयूवी 400 है, लेकिन आपको अगर पूरी नॉलेज होगी तो बता सकते हो। ऐसे पीछे की टेल लाइट में थोड़ी बहुत चेंजेस है, आप सामने देखना वीडियो में, इतना मतलब पूरी की पूरी सिमिलर तो नहीं है इसमें 300 से। बस हाँ, इसमें क्या करा है 300 का इंजन निकाल के एंड ऐसा लग रहा है कि इसमें ईवी का सिस्टम घुसा दिया जो भी कुछ इसमें आता है। लेकिन आप पूरी गाड़ी की चेंज है, आपका इंटीरियर देख सकते हो। 7 इंच के इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, बाकी MID आपको सिंपल सी मिलती है। गियर लीवर देखो तो काफी प्रीमियम सा, बाकी टेल लाइट देखो पीछे की एकदम अलग चेंज कर दी। वैसे कंपनी ने कर तो ये 20 लाख की दी है ईवी, लेकिन इसमें जब भी दो पार्किंग सेंसर आते हैं। एंड पीछे साइड देखो यहाँ पे डिफोगर मिल जाता है, हाई स्टॉप लैंप, वाइपर देखो अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इसका जो लोगो है वो ऐसे गोल्डन टाइप में या पिंकिश टाइप में कर दिया है। 360 डिग्री इसमें व्यू देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ इतना कुछ ही था अभी तो, गाड़ी में इतना कुछ खास नहीं है, मैंने छोटा सा ही रिव्यू दिया है। बैटरी की बारी है तो इसमें 39 kW की बैटरी मिल जाती है, जो कि निकाल दी 147 with 310 Nm टॉर्क। पूरी गाड़ी चार्ज होने के चलती है 456 km एंड जो इसकी चार्जिंग टाइम है वो कंपनी बताती है, अगर फास्ट चार्जिंग से चार्ज करोगे तो 6 आवर्स लगेंगे एंड नॉर्मल से चार्ज करो 13 आवर्स लगेंगे मैक्स टू मैक्स। बाकी छोटा सा रिव्यू दिया है मैंने, जैसे गाड़ी कॉम्पैक्ट है ना ऐसे ही इसमें कॉम्पैक्ट सनरूफ भी देखने मिल जाती है ऊपर की साइड, 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं, 4 डिस्क ब्रेक। बाकी इतना कुछ ही था अभी तो, गाड़ी में इतना कुछ खास नहीं है, पूरी 300 से इंस्पायर्ड है, थोड़े बहुत ही चेंजेस है। LED आपको सामने की तरफ, DRS मिल जाते हैं, लाइट्स हैलोजन में देखने को मिल जाती है, बाकी प्रोजेक्टर के साथ हाई बीम लो बीम अलग से, वहीं पे इंडिकेटर देखने को मिलता है, सामने की साइड आप देख सकते हो। बाकी इतना कुछ ही था अभी तो वीडियो में, आपको कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे वो सब्सक्राइब बटन इसलिए दे रखा है, बाकी यहाँ तक वीडियो देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय।